दोस्तों आज मैं कल के मैच के बारे में बात करूंगा जहां एसआरएच वर्सेस आरसीबी का मैच हुआ था। दोस्तों आपको बता दूं कि आरसीबी अपना पहला मैच जीतकर आईपीएल 13 की शुरुआत किए हैं और ये पहली बार हुआ है फाइनली कि आरसीबी जो आईपीएल का कैंपेन है वो जीत के साथ शुरुआत करेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि ऐसा टर्निंग पॉइंट कहां पे आया जहां से आरसीबी ने उस मैच को अपने नाम किया। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों आरसीबी की जीत से खुश कोहली ने चहल की तारीफ की और उन्होंने कहा कि चहल ने पूरे मैच को पलट दिया। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के तीसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रनों से हरा दिया। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 163 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम 19 ओवर 4 बॉल में 153 रन बनाए और सारे प्लेयर्स पवेलियन लौट गए। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने जीत का श्रेय स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल को दिया। आपको बता दो दोस्तों युजवेंद्र चहल ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की और उनके गेंदबाजी के द्वारा पूरे मैच का जो रूप है जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, जिसके बाद आरसीबी ने आईपीएल की पहली जीत हासिल की और पहली जीत के साथ अपने कैंपेन को स्टार्ट किया। मैच में चहल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 18 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्होंने 16वें ओवर में 2 गेंद 2 विकेट लेकर मैच पूरी तरह से पलट दिया। इस ओवर में पहले उन्होंने शानदार बल्लेबाजी कर रहे जॉनी बैरिस्टो को 61 के निजी स्कोर पर आउट किया। ऐसा लग रहा था जॉनी बैरिस्टो उस मैच को अपने दम से निकाल कर लेके चले जाएंगे और सनराइजर्स हैदराबाद को जीत दिलाएंगे, लेकिन दोस्तों युजवेंद्र चहल ने उनकी विकेट ली और मैच को पूरी तरह से पलट दिया। फिर अगली ही गेंद पर विजय शंकर को बोल्ड कर दिया। इससे पहले 12वें ओवर में उन्होंने मनीष पांडे को 34 के निजी स्कोर पर चलता किया। और आपको बता दूं दोस्तों विराट कोहली ने युजवेंद्र चहल की बहुत तारीफ की और यही वजह थी जिसके कारण विराट कोहली ने युजवेंद्र चहल को कहा कि इन्होंने पूरा मैच पलट दिया। और दोस्तों आपको बता दूं युजवेंद्र चहल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आप लोगों से यही विनती है कि आप हमारे नए चैनल स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस को पाते रहे। और हाँ दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।